एवरीवन नारायण वेलकम बैक टू द चैनल माधव माइक्रोबायोलॉजी. सो वंस अगेन आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो माय सेल्फ हर्षिता गहरवा. सो टुडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूसिंग द न्यू टॉपिक एंड दैट इज व्हाट इज एप्टोसिस. एप्टोसिस का क्या वर्क रहता है, क्या रोल है, क्या सिग्निफिकेंस है और उसके पाथवेज के बारे में थोड़े से शॉर्ट नोट में इसके थ्रू वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो अबाउट व्हाट इज अ एप्टोसिस. एप्टोसिस एक वो प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में जितने भी अनवांटेड सेल्स हैं उनको एलिमिनेट करती है, डिलीट करती है और बॉडी को मेंटेन करती है अलग अलग पर्सपेक्टिव में. सो द डेफिनेशन ऑफ एप्टोसिस इज, एप्टोसिस इज डिफाइंड एज द नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ इन विच सेल्स डिस्ट्रॉय देमसेल्स फॉर मेंटेनिंग स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. इसमें जो एक ऐसी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें सारे के सारे जितने भी सेल्स होते हैं वो अपने आप डिलीट होते चले जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जिस तरह की बॉडी को के फंक्शंस को मेंटेन कर सके. इसके दो फॉर्म्स होते हैं होने के. पहला फॉर्म होता है जिसमें ऑटोमेटिकली ये सेल्स को किल करते हैं, ऑटोमेटिकली किल सेल्स, तो उसको हम कहते हैं एप्टोसिस, एपोप्टिस. और जो अनप्रोग्राम सेल होते हैं, जो अनप्रोग्राम डेड सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं नेक्रोसिस. अनप्रोग्राम्ड सेल डेथ वी कॉल्ड नेक्रोसिस. तो नेक्रोसिस एक अलग चीज़ है, एप्टोसिस एक अलग चीज़ है. एप्टोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे आई थिंक रोज 50 से लेके 80 बिलियन तक के सेल्स हमारे एवरीडे बॉडी में किल होते हैं जो अनवांटेड हैं, जिसके वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. तो उस चीज़ को बिल्कुल स्किप करने के लिए अबाउट 50 to 80 billion तक सेल्स डाई होते हैं. इसके दो पाथवेज होते हैं एपोप्टोसिस के. सो फर्स्ट पाथवे इज एक्सट्रिंसिव एंड सेकंड इज इंट्रिंसिव. अगर हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिव पाथवे की, तो एक्सट्रिंसिव पाथवे में इसका काम ये होता है कि ट्रिगर करता है एपोप्टोसिस को एक्सटर्नल स्टिमुलाई की तरफ. एक्सटर्नल मतलब बाहरी की तरफ, बाहर की तरफ जाने के लिए इसको ज़्यादा ट्रिगर करता है, ताकि जितने भी लाइगेंड इसके सरफेस पे हैं, बाइंड है, जो लाइगेंड बाइंड कर रहे हैं डेथ रिसेप्टर्स पे सेल सरफेस पे, उस पे जाके उनका इम्पैक्ट पड़े. और जब ये इम्पैक्ट पड़ते हैं, ज़्यादातर हम जब देखते हैं जो कैंसर सेल्स होते हैं, फिर जो ट्यूमर सेल्स होते हैं उनके अंदर जो रिसेप्टर बाइंड होती है उस सरफेस पे, वहाँ पे जाके ये ज़्यादा से ज़्यादा उनके ऊपर ट्रिगर करता है, उसको अटैक करता है ताकि उसको हटा सके. तो ये होता है एक्सटेंसिव पाथवे जो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स को एलिमिनेट करके बाहर की तरफ अट्रैक्ट करता है. फिर आता है इंट्रिंसिव पाथवे. इंट्रिंसिव पाथवे में ये होता है कि जैसे कि इसमें एक्सटर्नल पाथवे के लिए उसको वर्क करता है, इसमें ये करता है कि ये ट्रिगर करता है एपोप्टोसिस इंटरनल स्टिमुलाई के लिए, जिसमें बायोकेमिकल स्ट्रेस आता है, डीएनए डैमेज आता है और लैक ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स आते हैं. इसमें ये अंदर की तरफ जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर होती है, बायोकेमिकल स्ट्रेस होता है, जैसे डीएनए डैमेज हो जाना, डीएनए का कोई बेस प्रिपेयर ना होना, उसका मैकेनिज्म खराब हो जाना, कोई भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस खराब हो जाना, इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार होता है. साथ ही साथ में जितने भी ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए अच्छे होते हैं, मेंटेन करने के लिए, शेप को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सारे के सारे इसमें कम होने लगते हैं, तब इसमें होता है. इसकी वजह से इसमें दो मॉलिक्यूल्स मॉड्यूलेट होते हैं. दो मॉलिक्यूल जैसे मॉड्यूलेट होते हैं वो होता है BAX और BCL2. ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जब ये मॉड्यूलेट होते हैं तो ये सारे के सारे जो भी बॉडी के मेंटेनिंग के लिए ज़रूरत होती है, उसको स्ट्रक्चराइज करने की ज़रूरत होती है, उसके लिए मदद करते हैं BAX और BCL2. इन दोनों पाथवे के अकॉर्डिंग एपोप्टोसिस चलती है. एपोप्टोसिस का जो रोल होता है वो ये रोल होता है कि सारे के सारे जितने भी अनवांटेड सेल्स हैं उन्हें किल करता है, साथ ही के साथ जितने भी टी लिम्फोसाइट, जितने भी हानिकारक टी लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी में बनते हैं उनको वो हटाता है. जैसे कि जो इसका रोल है वो क्या है, सबसे पहले जो इसका रोल आता है वो ये आता है, ये किल करता है टी लिम्फोसाइट्स को, वो टी लिम्फोसाइट्स जो हमारे बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, किल्ड बाय एपोप्टोसिस, जो हार्मफुल है उनको ये हटाता है. साथ ही साथ इसमें इसका रोल होता है, हमने एक स्टेज पढ़ी थी होम्योस्टेसिस स्टेज. होम्योस्टेसिस स्टेज पे हमने देखा था कि इसमें जो स्टेम सेल प्रोसेस है वो होती है, तो वो इसलिए होती है कि जितनी भी कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उसे क्योर होती है उस थेरेपी के थ्रू. तो इसके इसमें भी इसका वही काम है, ये भी होम्योस्टेसिस के लिए काफ़ी मदद करता है. साथ ही साथ में इसकी वजह से जितने भी अनवांटेड हमारी बॉडी में सेल्स डेवलप होते हैं उनको किल करता है,
किल्ड बाय एपोप्टोसिस, जिसकी वजह से बहुत ही सारी डिसीज होती हैं। लेकिन इसका एक सिग्निफिकेंस ये भी है कि अगर एपोप्टोसिस की किसी भी चीज की वजह से कोई दिक्कत आती है, जैसे कि अगर एपोप्टोसिस की प्रोसेस चल रही है और उस टाइम पे कोई भी सेल डिवाइड हो जाए, सेल डिवीजन हो जाए, तो जो भी फिटस का जो भी डेवलपमेंट होता है वो बिगड़ सकता है। लाइक अगर उसका डेवलपमेंट एपोप्टोसिस की वजह से अफेक्ट होता है, तो उसकी वजह से जो भी उसकी सेपरेशन होगी टोस की और फिंगर्स की, वो फ्यूज हो जाएगी। सिग्निफिकेंस इसका ये है, अगर ड्यूरिंग एपोप्टोसिस प्रोसेस सेपरेशन ऑफ फिंगर्स एंड टोज इन फिटस गेट फ्यूज्ड, इसमें वो फ्यूज हो जाएगा, तो जो उनका प्रॉपर डेवलपमेंट हो गया, जो प्रॉपर उसका सेपरेशन हो रहा होगा, वो प्रॉपर नहीं होगा। साथ ही साथ में जब किसी भी तरीके का जेंडर का डिटर्मिनेशन होता है, तो उस वक्त भी इसका सिग्निफिकेंस बहुत, इसका एप्टोसिस का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, प्रोसेस होना बहुत जरूरी है, जिसके से वो जितने भी हार्मफुल अफेक्ट्स जो उससे उससे बचाता है, सारे के सारे हेल्दी सेल्स को वो जनरेट करता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं नेक्रोसिस की, तो नेक्रोसिस में ये नहीं है, उसमें कोई भी ऐसे प्रोग्राम्ड सेल डेथ की प्रोसेस नहीं होती, उसमें अनप्रोग्राम्ड होती है, और एप्टोसिस में सारे के सारे प्रोग्राम्ड सेल डेथ की प्रोसेस होती है, जिससे हमारी बॉडी में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इंटैक्ट रहती हैं, जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है वो इम्पॉर्टेंट रहता है, ऑर्गेनाइजेशन अच्छा रहता है, लाइक जो भी बॉडी के इम्पॉर्टेंट मल्टीपल जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं या जितने भी बॉडी के डेवलपमेंट है, ऑर्गन्स का डेवलपमेंट है, उसके लिए प्रोसेस इम्पॉर्टेंट एक प्रोसेस है। सो हैंस थ्रू द वीडियो आई मेक टू अंडरस्टैंड यू इन अ वेरी शॉर्ट नोटिस, इन अ वेरी शॉर्ट समरी, आई टोल्ड यू अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एपोप्टोसिस, इट्स वर्क सिग्निफिकेंस एंड इट्स पाथवे, एंड ऑल्सो आई मेन यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द मेन डिफरेंस बिटवीन द नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। सो आई विच यू लाइक माई वीडियो, सो इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक माई वीडियो एंड कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल, बिकॉज ऑल योर थ्री फैक्टर्स गिव यू मोर फैक्टर्स टू मेक ऑल दी अदर वीडियोज विद दी अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।